क्रिएटेड डिजीज है, क्रिएटेड पेन, करेक्ट ना? हम लोग क्या क्रिएट करना चाहिए था? व्हाट वी शुड हैव क्रिएटेड? हेल्थ। हमें क्या क्रिएट करना चाहिए? हेल्थ क्रिएट करना चाहिए ना, तो क्रिएट करिए। ठीक है, एक और मैं चीज बताऊं आपको कि ह्यूमन बीइंग इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। आपको शायद पता नहीं है, एवरीवन हियर प्रेजेंट हियर, ही इज ओनली 1 ईयर ओल्ड। कैन यू इमेजिन? कोई आप अपने आप को बता दें 40 इयर्स का, कोई बोलता 50 इयर्स, कोई 60 इयर्स का, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ, एवरीवन इज नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड। एक साल से बड़ा कोई भी नहीं है जहां पे। आपको सुन के हैरान भी होगी। सी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी इज क्रिएटेड एवरी ईयर। एवरी ईयर यू गेट अ ब्रांड न्यू बॉडी, एक नया शरीर आपको मिलता है। You know, heart is created within 6 months. Your skin is recreated within few weeks. Your all internal organs like pancreas, your liver, created in 3 to 4 months. Only bone is the thing which gets replaced after 12 months. That means maximum time taken for the body to recreate itself is 12 months. इसका मतलब अगर आपको नया शरीर मिला है, that means should be healthy body, ना then? Then why you are diseased? That is the question, that is the moot question that you have to answer now. आपका नया, आपको latest computer कौन सा वाला है? Latest PC कौन सा है? Anyone can tell? Okay. Now tell me, if in that particular PC, Windows 95 is loaded, will it work? Will it work? No, no. अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारा मतलब हार्डवेयर तो चेंज हो गया, विद इन वन ईयर दिस हार्डवेयर इज गेटिंग चेंज, बट सॉफ्टवेयर वही पुराना लेके चल रहे हैं, बीमारी वाला, पेन वाला। तो किसको चेंज करना है हमें? एक चीज चेंज हो जा रही है, वन थिंग इज गेटिंग चेंज, अदर थिंग वी हैव टू चेंज इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर चेंज करना है हमें। ठीक है, एज ओल्ड हैबिट पैटर्न्स हैज टू बी चेंज्ड एंड न्यू patterns has to be created, then only something can be done about your health. This is the truth. अब ये आप मुझे, आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा habit pattern आपको तैयार करना है, devic or devilish, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये दोनों चीज साथ में चल रही है हमारे। वी हैव डेविलिश पैटर्न थॉट प्रोसेस आल्सो, दैविक थॉट प्रोसेस आल्सो, वी हैव टू इंक्रीज द दैविक पोर्शन। दैट मींस पैटर्न द हैबिट व्हिच आर दैविक इन नेचर, व्हिच आर रियली गुड, दे हैव टू बी डेवलप्ड। योर थॉट्स एंड योर लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है? लिमिटिंग बिलीफ यार, अब तो मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, दीज आर लिमिटिंग बिलीफ्स एक्चुअली। पर यू आर 1 ईयर ओल्ड ओनली, तो आप बताइए लिमिटिंग बिलीफ कहाँ रहा? आप किसी को बताओगे क्या बताओगे, मेरी कितनी एज है? व्हाट इज योर एज? 1 ईयर ओल्ड। यू आर ऑल 1 ईयर ओल्ड। पहले तो इस चीज को, लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तो थॉट्स प्रोसेस को आपको चेंज करना पड़े, लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना पड़े। जैसे ये सपोज करिए यार, पेरेंट्स हमारे, उनको शुगर था तो हमको शुगर होना ही है, दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ, है ना, लिमिट करता है। फिर कहते हैं यार उनको थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल उनका बहुत हाई रहता था, हमको भी वैसे ही रहेगा, है, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे तो हम भी ऐसे ही होंगे। दिस इज ऑल बेकार की बातें हैं। प्लीज चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये माइंड जो है ना, इट्स अ प्लेथोरा ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। पूरी लाइफ हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। कोई आपको बोलेगा कि आप करोड़पति बनोगे, कहाँ पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मनी इज इन द एयर ना, आपको पता है मनी इज इन द एयर, यू शुड नो हाउ टू कैच इट, यू शुड नो हाउ टू टैप इट। ठीक है, तो ये आपके लिमिटिंग बिलीफ्स।
के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, दिस इज तो जानते क्या होते हैं, हम पंचभूतास के बने हुए हैं एक्चुअली, ठीक है, अर्थ वाटर अग्नि एयर और आकाश, ठीक है, दीज फाइव एलिमेंट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ये पता है दे हैव टू बी प्रॉपर प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन गलत बुद्ध कर लोगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगी। भाई अर्थ एलिमेंट आपने खूब खा लिया, खूब खा लिया और खूब उल्टा सीधा खा लिया, तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ढंग से सांस नहीं लोगे, यू नॉट टेक राइट ब्रेथ, देन विच एलिमेंट विल बी अनबैलेंस्ड, एयर एलिमेंट, करेक्ट ना। मान लीजिए आप प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पियो, कुछ करोगे तो आपका जो है अग्नि एलिमेंट भी जाएगा, है ना, तो देयर इज ऑल एलिमेंट्स हैव बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। तो इसमें मैं बताऊंगा आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको कैसे चेंज किया जाए। सेकंड थिंग इज आपके जो जो आपके एलिमेंट्स हैं पंचभूत जिनको कैसे बैलेंस किया, मतलब दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल आल्सो डील विद दिस। ये फिर जब फॉल करते हैं तो बिकम द नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है नियाग्रा इज अ वेरी फेरोशियस रिवर, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इफ we are like we humans are like persons who is on Niagara river actually, wherever it takes we are going there, hai na, so hum kya karte we are a person who is in the Niagara river and kabhi usi current hum idhar le ja rahe hain, kabhi idhar le ja rahe hain, kabhi udhar le ja rahe hain, we don't have control, kashti hamare paas hai lekin uske chappu nahi, chappu jante na, oars nahi hai, to kashti bhi wahi chahiye, ultimately a stage will come But it is over to fall. जब नीचे गिरने को होगा तब हमें होश आता, अब क्या करें, then we frantically tries, हम इधर हाथ मारते हैं उधर हाथ मारते हैं और तब हाथ भी हाथ पांव मतलब दोनों चलाते हैं, हाथ भी चलाते हैं पैर भी चलाते हैं और पैदल भी चलाते हैं और साथ में चप्पू भी चलाते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट इवन पैडलिंग, वी आर नॉट इवन हाथ पांव में नहीं मारेंगे, हमें पता ही नहीं है कि हम गिरने भी वाले हैं, तो वी आर लाइक दैट एक्चुअली, ये नियाग्रा जो नियाग्रा सिंड्रोम है ना उसके अंदर हम वी आर ऑल इन दैट, उसी के अंदर फंसे हुए हम लोग। तो आपको जो करंट है ना, करंट समझते हैं, मतलब जो करंट का मतलब प्रेजेंट, हम करंट के महते या क्या करें सर ऐसे ही हो रहा है, क्या करें, मतलब टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, क्या करें सर, जो सब्जी मिलती है या फ्रेश जो मिलता वही खा लेते हैं, जंक फूड मिलता है वही खा लेते हैं, तो वी आर इन द करंट एनवायरनमेंट, इस करंट से बाहर निकलना थोड़ा सा, इस नियाग्रा सिंड्रोम से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। मैं एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, एक इम्तिहान मूवी आई थी, ओनली वन लाइन, भाई जी कह रहा आपको रुकना नहीं है कहीं भी, You don't have to stop. तो गाना ये है, रुक जान नहीं तू कहीं हार के, अब सब लोग हारे हुए हैं, as for the health is concerned, रुकना नहीं है कहेंगे, you have to come out, इसे निकल के आना है आपको, रुक जान नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जान नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है।